Hello everyone, it's a wonderful, wonderful day and I have brought a very interesting topic for you, which is a very good news for India as well. My name is Arpita Goyal and let's get started. Okay, our topic for the day is US declares India the leader of South Asia in Indo-Pacific strategy. Okay, so US has declared India the leader of South Asia in Indo-Pacific strategy. इस टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं कि ये यूएस ने ऐसा क्यों डिक्लेयर किया है, इसमें चाइना का क्या रोल है, क्या पाकिस्तान इससे खुश है, क्या पाकिस्तान इसको इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, और हमारे मोदी साहब इतना खुश क्यों हैं यहाँ पे. लेट्स सी एवरीथिंग. Okay, before we get started, I want you to answer one question for me. This question is related to Quad. Iske four nations hai, iske jo members hai. You can also answer the four nations in the comment section below. Let's look at the question. When was Quad formed for the first time? The four options are 2007, 2008, 2012 and 2017. Answer this question very carefully. I have asked for the first time. Thoda sa confusion ho sakta hai. Answer is very simple for the question, but it can be a bit confusing for you. Okay, and if you watch this video till the very end, you will find your answer in the video itself. All right, so let's look why is this topic in news. Okay, so I want to tell you beforehand that this topic was in news 2 to 3 weeks back, जब US ने Indo-Pacific strategy का document release किया था, और उस document में US administration ने announce किया, long awaited document था, और announce किया that India is the leader in the South Asia region. जो एशिया कॉन्टिनेंट है, उसका जो साउथ एशियन पार्ट है, उस रीजन का लीडर इंडिया है. यूएस हैज मेंशन दिस इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, एंड यूएस हैज आल्सो सेड दैट रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दिस रीजन दे शुड फॉलो इंडिया. ये जो डॉक्यूमेंट है, ये आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज सर्च इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. ये डॉक्यूमेंट अभी फेब्रुवरी 2022 में ही यूएस ने लॉन्च किया है. ओके, तो देखते हैं इस डॉक्यूमेंट में विजन क्या है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का. सो यूएस सीक्स एन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दैट इज फ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्परस, सिक्योर एंड रेजिलिएंट. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये विजन है इस डॉक्यूमेंट में. ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इसको लास्ट में देखेंगे स्लाइड के. उससे पहले देखते हैं कि चल क्या रहा है. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट इनफॉर्मली ये क्यों बना है? टू काउंटर चाइना, एंड चाइनाज एग्रेशन एंड चाइनाज इंक्रीजिंग डोमिनेंस ओवर द रीजन, उसको काउंटर करने के लिए बनाया है. चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, जिसको हम OBOR लिखते हैं, OBOR, उसको काउंटर करने के लिए है, एंड इट्स अदर असर्टिव पॉलिसीज. तो चाइना यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा है? चाइना इज सेइंग कि यूएस ने ये एक एशियन नाटो ही बना दिया है, राइट? बट इंडिया ने उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है. इंडिया ने बोला है कि नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, एक मिलिट्री कोऑपरेशन है, विच इंडो पैसिफिक इज डेफिनेटली नॉट. इसके ऑब्जेक्टिव में आप कहीं भी देखोगे मिलिट्री से रिलेटेड आज सच कुछ नहीं है. सो इंडिया हैज आउटराइटली रिजेक्टेड दैट, बट चाइना इज, दिस इज एशियाज नाटो, राइट? अगर आपको नहीं श्योर है कि वॉट इज नाटो और नाटो करता क्या है, तो उसकी एक वीडियो हमारे चैनल पे है. यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दैट वीडियो एट दी आई बटन हियर. तो आप उस वीडियो को देखो और आप क्लियर हो सकते हो वॉट इज नाटो एंड वाई इज इट रेलिवेंट इन रशिया यूक्रेन वॉर. ओके, सो इधर मैंने ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल भी डाला है कि बाइडन टीम अनवेल्स इंडो पैसिफिक प्लान टू काउंटर चाइनाज क्लाउड. सो बेसिकली ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है ही इसलिए कि चाइना के इंक्रीजिंग डोमिनेंस को थोड़ा सा रोका जा सके. ओके, सो ये क्वाड लीडर्स की समिट में ये बोला गया था, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड्यूरिंग एंड फ्लॉरिशिंग इन द डेकेड्स अहेड. सो दैट इज वाई क्वाड इज ऑल्सो रेलिवेंट टू इंडो पैसिफिक. ओके, here again I have added a screenshot of this document. Now let's look at another screenshot.
इसमें यूएस ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है वी रिकॉग्नाइज दैट इंडिया इज अ लाइक माइंडेड पार्टनर, दैट इज इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी जस्ट लाइक अस एंड लीडर इन साउथ एशिया एंड द इंडियन ओशन. तो लीडर साउथ एशिया और इंडियन ओशन दोनों रीजन्स का इंडिया एक लीडर है, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो. एक्टिव एंड कनेक्टेड टू साउथ ईस्ट एशिया, ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कोड एंड अदर रीजनल फोरा एंड एन इंजन फॉर रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है इस डॉक्यूमेंट में. ओके, तो हम जो भी ये सारी स्टेटमेंट्स हैं इस डॉक्यूमेंट में और द अदर थिंग्स दैट हैव बीन मेंशनड इन दिस डॉक्यूमेंट, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं हम कि इंडिया एक डोमिनेंट फोर्स है इंडियन ओशन में. ओके, एंड यूएस सपोर्ट इंडियाज फ्यूचर राइज, दिस वी हियर मींस यूएस. सो यूएस इज सपोर्टिंग इंडियाज फ्यूचर राइज, बी इट इकोनॉमिकल, बी इट मिलिट्री, बी इट एनी अदर अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ग्रोथ फॉर इंडिया, यूएस इज सपोर्टिंग दैट. ऑल्सो इंडियाज राइज इज इन यूएसए इज नेशनल इंटरेस्ट, दिस ऑल्सो यूएसए हैज सेड. एंड इफ इंडिया रिमेन्स स्ट्रांग then Indo-Pacific region will itself be balanced. Again, this is what USA said, right? India has complete support of USA and other Quad nations in becoming the leader of South Asia, which is again of great significance and importance for India. अच्छा, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं. What do you think? पाकिस्तान को ये अच्छा लग रहा होगा? Of course not. So, Pakistan is not liking this at all and Pakistan does not want India's influence in South Asia. So, Pakistan ke iske against mein kuch statements bhi aaye the, but those are not important as of now, so we are not going to discuss that. Now, map mein dekhte hain, to ye Indo-Pacific region hai, if you can see here, ye Indian Ocean hai, ye sare jo island nations padte hain, ye wo sab hain. Agar hum yahan pe dekhte hain, to again wo same map hai, Indian Ocean hai, bas yahan pe US ka part bhi included hai, Pacific Ocean clearly dikh raha hai, this is Australia, yahan pe Japan wagera, sare countries include ho rahe hain in this Indo-Pacific region. ओके, अगर वर्ल्ड मैप पे हम इसे देखते हैं तो एक ये साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट हो जाता है, राइट, और एक वो यूएस का पार्ट, दैट इज अलास्का, अनदर स्टेट ऑफ, दैट इज अलास्का, वन स्टेट ऑफ यूएसए, एंड दिस इज द मेनलैंड यूएसए एंड ऑल दीज एरियाज. तो यहाँ पे हवाई भी पड़ता है जो यूएस का पार्ट है. ऑल दोज थिंग, ऑल दोज एरियाज आर अ पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, now you'll ask me what about a bit of US's pressure. Okay, so now you'll ask me, ma'am, उसका क्या जो यूएस थोड़ा सा इंडिया पे प्रेशर बना रहा है रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स जो अभी करंट सिनेरियो में चल रही हैं, तो उसका क्या, क्या इंडिया और यूएस की जो ये इतनी अच्छी पार्टनरशिप हो रही है वो हैम्पर होगी या क्या? सो सी, रशिया को लेकर भी दे आर गोइंग टू यू नो गिव स्टेटमेंट्स टू ईच अदर, फ्रैंक रिस्पॉन्सेस भी देंगे उन स्टेटमेंट्स को लेके, रशिया को लेके भी, और जो बाकी डेमोक्रेटिक इश्यूज भी होते हैं, जैसे रिसेंटली हिजाब रो हुआ था जो इंडिया में, उसको लेके भी यूएस ने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए थे, वो सब चलता रहेगा. इंडिया भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट्स देगा, यूएस इंडिया को कुछ बोलेगा, बट दैट शुड नॉट इम्पैक्ट इंडिया एंड यूएस स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन. चाहे वो कुछ भी होता रहे, स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री कोऑपरेशन जो इंडिया और यूएस अपना बिल्ड कर रहा है उस पर इफेक्ट नहीं होगा, उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू इंडो पैसिफिक रीजन, देन इन पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. देखो यहाँ पे भी देखो, इंडिया ने बोला मोटिवेटेड कॉमेंट्स ऑन इंटरनल इशूज नॉट वेलकम. मतलब इंडिया ने बोला हमारे इंटरनल इशूज पे योर कॉमेंट, योर मोटिवेटेड कॉमेंट्स आर नॉट वेलकम. बेसिकली उन्होंने ये बोला कि हमारे अंदरूनी मामलों पे तुम्हारी स्टेटमेंट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे फ्रैंक रिस्पॉन्सेज एक दूसरे को देते रहेंगे, बट उससे स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री कोऑपरेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. ओके, सो यहाँ देखते हैं कि चल क्या रहा है. ये चाइना का ये रेड डॉटेड लाइंस और ये जो है ये चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है. ओके, और ये जो ब्लू लाइंस है ये यूएस के
का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ये क्वाड के मेंबर्स हैं, विच आई आस्क यू टू लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ये क्वाड के चार मेंबर्स हैं। तो ये पूरा जो एरिया है ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है यूएस की, और ये जो रेड वाली है ये चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना एंड टू काउंटर दिस ओबोर ये बनाया गया। जैसे इसमें पाकिस्तान भी आता है, ठीक। सो चाइना का पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जिसे हम बोलते हैं, राइट। सो आई राइट इट डाउन फॉर यू। सो ये जो है ये ओबोर है, ओके, एंड पाकिस्तान के साथ जो है वो सीपैक है, सीपैक इसी के अंडर आता है, दिस इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पे पाकिस्तान है आपका, ओके। सो जैसे ये भी इसी का पार्ट है, तो हम देख सकते हैं कि चाइना अपना असर्शन कितना बढ़ा रहा है, कितना एग्रेसिवली मूव कर रहा है आगे, मैरिटाइम के टर्म्स में भी और ऑन लैंड भी, ओके। सो उसको काउंटर करने के लिए ये क्वाड और यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है वो बनी है। सो नाउ इस डॉक्यूमेंट में इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट तो किया गया है, बट इंडिया के लिए एक वार्निंग भी है। वार्निंग क्या है, यूएस ने इंडिया को वार्न किया है अगेंस्ट चाइनाज एग्रेशन। तो इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ चाइनाज एग्रेशन, एंड यूएस ने इंडिया को उसके लिए वार्न किया है इन दिस डॉक्यूमेंट। बट यूएस हैज ऑल्सो सेड दैट वी आर बाउंड टू वर्क टूगेदर विद यू, ओके। सो यूएस हैज ओपनली सेड कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू टू काउंटर चाइनाज एग्रेशन, बट येस दिस इज अ वार्निंग फॉर इंडिया विच इंडिया शुड बी केयरफुल ऑफ, ओके। अदर देन दैट इस डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ है इंडिया की सिग्निफिकेंस शो हो रही है, जिससे कि इंडिया सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, इंडिया का मेंशन हुआ है सबसे ज़्यादा, मोर देन एनी अदर कंट्री इन द डॉक्यूमेंट। जापान, ऑस्ट्रेलिया, बाकी काफ़ी कंट्रीज़ है जिनका डिस्कशन है, जिनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ डिस्कशन हुआ है, बट इंडिया का सबसे ज़्यादा मेंशन हुआ है। तो व्हाई इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, इसका रेलेवेंस ये है कि इसका मतलब इंडिया जो है वो यूएस का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में एक पिलर है, राइट। तो इंडिया सेंट्रल है फॉर दिस स्ट्रैटेजी, दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, अब इसको ये देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है क्या ये हमेशा से इंडो पैसिफिक ही बोला जाता था, नो। सो यूएस यूज टू कॉल इट एशिया पैसिफिक अर्लियर, बट आफ्टर एडिंग अ मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का काफ़ी बड़ा पार्ट हमने इसमें इंक्लूड किया, तो अब ये इंडो पैसिफिक बोला जाता है, ओके। सो इंडिया को इस डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंस तो दिया ही गया है, बट किस किस सेंस में दिया गया है, नॉट जस्ट मिलिट्री बट हेल्थ, स्पेस, साइबर स्पेस, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स। सो बेसिकली यूएस और इंडिया की पार्टनरशिप को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है, यूएस इंडिया के रिलेशंस को बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलने वाला है, इम्प्रूवमेंट होने वाला है बहुत, वो इस डॉक्यूमेंट से, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट से पता लगता है। उसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ है भी कि इंडिया और यूएस की फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है इन 2023, वी आर क्वारंटीन 2022, तो नेक्स्ट ईयर ये लॉन्च होने वाली है, विच इज़ कॉल्ड निसार। आई होप आपको इसके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट भी आया है इस साल, इंडिया यूएस के रिलेशंस डेवलप भी हो रहे हैं फर्दर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ओके। सो अगर आपको निसार के बारे में नहीं पता है तो गेट रीडिंग ऑन इट, ओके। सो अभी मैंने जो ये लास्ट स्लाइड में बताया, अगेन दैट इज मेंशनड हियर, मैंने व्हाइट हाउस की एक स्टेटमेंट को यहाँ पे मेंशन किया है इन टर्म्स ऑफ इंडो पैसिफिक, दैट हेल्थ स्पेस, साइबर स्पेस डीपन आर इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूट टू अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ओके। उसके अलावा मैंने एक और स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन की है कि इंडिया फेसेस वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, वही चाइना के टर्म्स में जो मैंने अभी मेंशन किया आपको, बट इन्होंने एक चीज़ और मेंशन किया यहाँ पे कि एक बहुत ज़्यादा गैल्वनाइजिंग इम्पैक्ट हुआ है इंडिया के ऊपर इसकी वजह से। तो वॉट इज़ गैल्वनाइजिंग इम्पैक्ट, चाइना के एक चैलेंज की वजह से इंडिया के ऊपर एक गैल्वनाइजिंग इम्पैक्ट हुआ है। बेसिकली गैल्वनाइजिंग इम्पैक्ट क्या होता है, बिकॉज ऑफ समथिंग और समवन यू ऑल ऑफ अ सडन गेट एनर्जाइज्ड एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, राइट। तुम एक्शंस लेने लगते हो उसके अगेंस्ट में और उसके फेवर में, बिकॉज ऑफ समथिंग यू गेट एनर्जाइज, यू गेट रिचार्ज। सो दैट इज व्हाट गैल्वनाइजिंग इंपैक्ट इज, टू कॉज समवन टू सडनली टेक एन एक्शन, ओके। तो इंडिया अब प्रोएक्टिवली बहुत से एक्शंस ले रहा है, अपना स्टैंड भी एक बिल्ड कर रहा है, इंडिया बहुत चीजों पर वर्क कर रहा है। लेट्स लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
First of all, in the last few years, India has made rapid progress in border road infrastructure. इंडिया बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सिग्निफिकेंटली वर्क कर रहा है. जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट के जो ये दो टर्म्स रहे हैं, उसमें रोड बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सिग्निफिकेंट वर्क हुआ है. रोड्स जो बॉर्डर के अलॉन्ग डेवलप की जा रही हैं, वो एक गेम चेंजिंग मूव है इंडिया के लिए. तो पहले क्या था कि जो इंडिया के जो बॉर्डर के अलोंग जो रोड सिस्टम था, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो काफ़ी वीक था. दैट वॉज वेरी वीक एज कम्पेयर टू चाइना. ओके, जिसकी वजह से यूएस एंड अदर कंट्रीज, दे डिड नॉट हैव मच फेथ इन अस एंड दे डिड नॉट हैव मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस अर्लियर. बट क्योंकि इंडिया इस पर वर्क कर रहा है, इसीलिए उनका इतना फेथ इंडिया पे आया है, इतनी एक्सपेक्टेशंस इंडिया से ग्रो हो रही हैं. एंड दैट इज वाई दे आर सेइंग कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. राइट, अब इंडिया क्या है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है इंडिया का, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया वर्क भी कर रहा है, तो इंडिया हैज स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस. इंडिया अब चाइना से डर नहीं रहा है. 2008-2009 तक भी इंडिया की सिचुएशन ये थी कि इंडिया वॉज नॉट श्योर व्हाट चाइना कैन डू एंड व्हाट चाइना विल डू इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा एप्रीहेंसिव रहते थे. बट नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस एंड अ स्टैंड अगेंस्ट चाइना, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे है. ओलंपिक्स जो होने हैं दिस ईयर इन चाइना, इन बीजिंग, इंडिया ने उनको बॉयकॉट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर उसके अलावा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी होती है, वो इंडिया के दूरदर्शन चैनल पे टेलीकास्ट नहीं होगी. सो दिस इज अ वेरी बिग मूव. एक ये डिप्लोमैटिक मूव है, डिप्लोमैटिक बॉयकॉट है इंडिया की तरफ से, विच इंडिया इज डूइंग नाउ. अदर देन दैट, इंडिया पहले इट वॉज वेरी वैरी ऑफ कोड. कोड की मीटिंग से इंडिया बहुत वेरी रहता था. वाई? बिकॉज इट वॉज स्केर्ड, अफ्रेड ऑफ अपसेटिंग चाइना इन द रीजन, बिकॉज चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन. राइट, तो इंडिया उससे थोड़ा सा अफ्रेड था. बट नाउ इंडिया इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन कोड. और कोड को लेकर इंडिया की कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी आई हैं इंडिया के फॉरन मिनिस्टर को लेकर, जिसको अभी हम आगे देखते हैं. बट Now India is not afraid, India is not scared of upsetting China in the region, which is again significant. Okay, तो India एक तो China को अब handle तो कर ही सकता है, plus India is now strong enough to give China a befitting reply. Befitting reply means India China को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है. India का वो example हम गलवान वैली और डोकलाम से भी देख सकते हैं. Okay. So first let's look at that statement of our foreign minister, Dr. S. Jaishankar जो हैं, उन्होंने ये बोला था. चाइना क्या है, जब भी कोड की मीटिंग्स होती हैं, बहुत ऑब्जेक्शन करता है, बहुत क्रिटिसिज्म करता है, विच आई टोल्ड यू कि वो ये भी बोलते हैं कि ये आशियान नाटो हैं एंड ऑल दोज थिंग्स. तो हमारे जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने ये कहा कि ठीक है, चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता है, क्रिटिसिज्म करता है, बट उससे हमारे कोड की स्ट्रेंथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था कि इन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट को पास किया. अदर देन दैट, ही ऑल्सो सेड कि ये जो इशू है, ये लेजिटिमेट कंसर्न होना चाहिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द वर्ल्ड मैप. ये इंडिया है, दिस इज चाइना, दिस इज आर लवली लवली इंडिया. ओके, सो अगर कुछ भी इशू बिल्ड होता है, तो एक ईस्ट से भी प्रेशर रहेगा और एक वेस्ट से भी प्रेशर रहेगा चाइना के ऊपर. तो चाइना इतना ईजिली इंडिया को काउंटर नहीं कर सकता, ओवरपावर नहीं कर सकता, तो इंडिया के डिफेंसेस भी स्ट्रांग हो जाएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इंडिया को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा. सो उसकी वजह से इसका बहुत सिग्निफिकेंस है. ऑलराइट, सो इन द फर्स्ट फ्यू स्लाइड्स वी सॉ कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है, उसके कुछ विजन हैं, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जो मैंने कहा था कि वी विल डिस्कस देम लेटर. सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन वेरी क्विकली. फर्स्ट वाज फ्री. सो व्हाट इज फ्री नाउ? स्ट्रैटेजिक एक्शंस कुछ इस तरीके से हो कि फ्री प्रेस हो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो इन दिस रीजन, बिकॉज देर आर स्टिल अ फ्यू कंट्रीज जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है इस रीजन में. तो एक तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है. सेकेंड इज कनेक्शंस. कनेक्शंस कैसे, एज आई टोल्ड यू कि इसमें स्ट्रैटेजीज भी ले आउट की गई हैं इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल जापान और अलायंसेज सच एज आशियान, तो इसमें वो भी है.
पर्टिकुलरली थ्रू द कोर्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है तो कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस में रहता है. वो हमने पीछे भी एक मैप में देखा कि कोर्ट के जो चार पिलर्स हैं वो कैसे काउंटर कर रहे हैं चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, राइट. उसके अलावा जो फाइव रीजनल ट्रीटी अलायंसेज हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे आशियान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो हो गया, उनके साथ कैसे कोऑपरेशन में है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. अदर देन दैट जो ऑकस है रिसेंटली, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस का सिक्योरिटी अलायंस है इन तीन कंट्रीज के बीच में, ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूएस, ये भी लॉन्च हुआ है. तो इसके टैंडम में कैसे वर्क कर रहा है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस डॉक्यूमेंट. ये दो की पॉइंट हो गए. थर्ड की पॉइंट इज प्रॉस्पेरिटी. सो प्रॉस्पेरिटी फॉर द रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हायर लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं. एनवायरमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन है. सिक्योर सप्लाई चेन्स होनी चाहिए एंड इन्वेस्टिंग इन क्लीन एनर्जी, उसके बारे में भी इसमें बात की गई है. ओके, नाउ द फोर्थ की पॉइंट हियर इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर यूएस पैसिफिक स्ट्रैटेजी, राइट, जिसके लिए ये स्पेसिफिकली बना है. इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ यूएस सिक्योरिटी प्लान फॉर द रीजन, राइट. अब इसमें क्या है कि एक तो काउंटर कोहेशन, कोहेशन अगर होता है, कोई एक कंट्री फोर्सफुली दूसरी कंट्री को अपने विम्स को मनवाती है, अपने फेवर में काम करवाती है, तो उसको काउंटर करने के लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिक्योरिटी इन प्लेस है. अदर देन दैट ऑपोजिंग एफर्ट्स टू ऑल्टर टेरिटोरियल बाउंड्रीज. अब कुछ कंट्रीज क्या हैं स्पेसिफिकली, दे आर ट्राइंग टू ओवर पावर अदर नेशंस. इतना अग्रेसिवली वो फॉरवर्ड मूव कर रही हैं, उनकी असर्टिवनेस है, तो वो बाउंड्रीज जो है किसी भी कंट्री की, टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है वो ऑल्टर ना हो जाए, उसके लिए ऑपोजिंग एफर्ट्स हैं. अदर देन दैट, जब इतना ज़्यादा असर्टिवनेस किसी भी कंट्री की बढ़ जाती है, सोवरेन नेशंस के जो राइट्स हैं वो अंडरमाइन होने लगते हैं एट सी एंड ऑल्सो एट लैंड. तो चाइना अगेन इज डूइंग सर्टन एक्टिविटीज इन साउथ चाइना सी, सो और उसके अलावा और प्लेसेस में भी, तो उसको काउंटर करने के लिए भी ऑपोजिंग एफर्ट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सिक्योरिटी के अंडर आते हैं, सो दैट सोवरन राइट्स, किसी भी नेशन के जो राइट्स हैं वो अंडरमाइन नहीं हों. ओके, नाउ लुकिंग एट द फिफ्थ पॉइंट, रेजिलियंस. इसमें मेजर ट्रांसनेशनल चैलेंजेस जो हैं उनको टारगेट किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लाइमेट चेंज. एज आई टोल्ड यू इन द थर्ड पॉइंट ऑल्सो कि क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है. वाई? बिकॉज साउथ एशिया के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं वो लिटरली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल्स. बिकॉज दो बड़े ओशंस यहाँ पड़ते हैं, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, राइट. तो काफ़ी आइलैंड नेशंस हैं, काफ़ी कंट्रीज हैं जिन वो लिटरली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है. आई गिव एन एग्जाम्पल, इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली अपनी कैपिटल चेंज करी है जकार्ता से. वाई? बिकॉज जकार्ता लिटरली अंडर वाटर होने के चांसेस हैं नाउ. तो ऐसे ही और कंट्रीज के लिए भी बोला जाता है. तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग कंसर्न ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. ओके, अदर देन दैट जो गवर्नमेंट्स हैं इस रीजन की, वो नेचुरल डिजास्टर्स, रिसोर्स स्कार्सिटी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड गवर्नेंस चैलेंजेस जो भी फेस करती हैं उस पर भी वर्क करने का इसमें सोचा हुआ है. अदर देन दैट रीजनल रेजिलियंस में जो ट्रांसनेशनल थ्रेट्स हैं, जैसे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर अब बढ़ने के चांसेस हैं, वहाँ तक लिमिट करना है. तो अगर वी डू नॉट स्टॉप हियर और हम टारगेट नहीं करते हैं स्पेसिफिक एनवायरमेंटल चेंजेस को, तो वी आर एट रिस्क ऑफ टेम्परेचर राइज टू 2.2 डिग्री सेल्सियस, नॉट 2.2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स राइज हो सकते हैं फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. बट नाउ वी आर ट्राइंग टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर राइज होना तो वी कैन नॉट स्टॉप, बट वी आर ट्राइंग टू लिमिट इट टू 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रू एलाइज एंड पार्टनर्स बाई 2030 एंड 2050. तो टारगेट स्ट्रैटेजीज प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई जा रही है सो दैट वी कैन लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, और जो एनवायरमेंटल चेंज और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रीजन की वल्नरेबिलिटी है उसको भी रिड्यूस करना है. ऑलराइट, सो इस टॉपिक में तो यही था, बट कोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो देखते हैं यहाँ पे, और यहीं पे आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा. माय क्वेश्चन वाज कि कोड फर्स्ट टाइम कब फॉर्म हुआ था. ओके, नाउ व्हाई फर्स्ट टाइम. देखो, कोड विच फॉर्म्ड इन 2007, आई होप यू गॉट योर आंसर हियर,
सीज्ड फॉलोइंग विड्रॉल ऑफ ऑस्ट्रेलियाज प्राइम मिनिस्टर केविन रड इन 2008. सो ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे केविन रड. 2008 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था क्वाड से. नाउ क्वाड लिटरली मीन्स फोर, राइट? फोर मेंबर्स थे, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर एक नेशन विड्रॉ कर लेता है तो क्वाड का रेलेवेंस और मतलब ही खत्म हो जाता है. तो बेसिकली हुआ क्या कि उस टाइम पे क्वाड को लगभग डेड मान लिया था. 2007 में इट वाज फॉर्म्ड एंड 2008 में ही विड्रू. देन रीनेगोशिएशंस हुए, सब कुछ बातचीत हुई एंड रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ था क्वाड का इन 2017. नाउ इन्होंने ये क्यों विड्रॉ किया था जब क्वाड फॉर्म हुआ, तो फिर इन्होंने विड्रॉ क्यों कर लिया जब चार नेशंस का ही फॉर्म हुआ था? Here is the reason. Australia to pull out of quad that excludes China. That excludes China. ये specifically यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? Because China को बहुत problem था कि ये quad बनाया है and I am not a member of this. तो China ने Australia के ऊपर बहुत pressure build किया था and under that pressure only Australia ने quad से withdraw कर लिया था. Okay, but that was the scenario in 2008. After that, all the countries in Asia, Southeast Asia, they have started realizing कि China के pressure के अंदर bow down करने से कुछ नहीं होगा. We'll have to show resistance together. इसीलिए Indo-Pacific strategy develop हुई है, Quad nations again re-establish हुए हैं and now Australia has stood up to China. So that is why Australia has rejoined Quad. I hope you got your answer to the question that I asked you. Alright, so that is it for today's class. इस टॉपिक के विदिन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. नाउ इस वीडियो का PDF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो उस PDF को डाउनलोड करने के लिए यू विल हैव टू ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल. वहाँ से आप ये PDF को डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू द एंटायर वीडियो वंस अगेन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. दिस इज मी. Subscribe to our channel and share it with your friends as much as you can. I will see you in the next one. Bye-bye. Take care.